हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल द पंजाबन ब्यूटी। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक ऐसा मेकअप लुक शेयर करने जा रही हूँ जिसको आप डेली भी कर सकते हैं और किसी पार्टी फंक्शन में भी कर सकते हैं। डे टाइम के लिए परफेक्ट है ये वाला मेकअप लुक, और अगर आप कहीं आउटिंग पे हैं, वेकेशन पे हैं, तब भी आप ये वाला मेकअप लुक कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, सटल है और बिल्कुल भी ओवर नहीं लगता है। मैंने ये वाला मेकअप लुक किया था जब मैं शिमला गई थी, तब मैंने वहाँ पर ये वाला मेकअप किया था। वही वीडियो मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। सो चलिए फिर फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने अपने फेस पर मॉइस्चराइजर और प्राइमर अप्लाई कर लिया था। उसके बाद मैं यहाँ पे गार्नियर की बीबी क्रीम लेके इसको डॉट डॉट करके अपने पूरे फेस के ऊपर अप्लाई कर लिया है, और फिंगर की हेल्प से ही ब्लेंड कर रही हूँ क्योंकि बीबी क्रीम फिंगर की हेल्प से बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाती है। मैंने अपने साथ बहुत ज़्यादा मेकअप कैरी नहीं किया था, काफ़ी मिनिमल सा मेकअप था। उसके बाद मैं अभी अपने ब्राउज को फिल इन कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक फिल नहीं करना है, बहुत ही लाइट सा फिल कर रही हूँ क्योंकि ये डे टाइम वाला लुक है और ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा ओवर लगे, सो इसलिए। उसके बाद मैं यहाँ पे NYB का काजल यूज़ कर रही हूँ जिसको मैं अपनी लोअर वाटरलाइन के ऊपर अच्छे से अप्लाई करूँगी। देन उसके बाद मैं यहाँ पे ब्लश लिया है, मैंने कलर आइकॉन का वेट एंड वाइल्ड का ब्लश है, और इसको बहुत ही कम अपने फेस के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ, बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है क्योंकि मुझे नेचुरल सा लुक चाहिए था। उसके बाद मैंने लिया है वेट एंड वाइल्ड का हाईलाइटर और सेम ब्लश ब्रश की हेल्प से ही हाईलाइटर को अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि इससे मेरा ब्लश और हाईलाइटर अच्छे से मिक्स हो जाएंगे और एक बहुत ही नेचुरल सा लुक आएगा। हाईलाइटर भी मैंने बहुत ज़्यादा अप्लाई नहीं किया था। देन उसके बाद अभी मैं आईलाइनर अप्लाई कर रही हूँ जिसके लिए मैंने लिया था NYB का लिक्विड लाइनर, और इससे बहुत ही बेसिक लाइनर ड्रॉ करूँगी क्योंकि मुझे दिन में बहुत ज़्यादा मेकअप करना उतना पसंद नहीं है, मेकअप नेचुरल ही दिखना चाहिए। सो आईलाइनर अप्लाई करने के बाद मैंने अपने लिप्स को मॉइस्चराइज किया था, ये है वादी हर्बल का स्ट्रॉबेरी फ्लेवर लिप बाम। उसके बाद मैं यहाँ पे कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ। इससे पहले मैंने बीबी क्रीम ऑलरेडी अप्लाई कर ली थी, तो अभी मैं कंसीलर को फिंगर की हेल्प से हल्का हल्का ब्लेंड कर रही हूँ, और मैंने अपने फेस की पाउडर सेटिंग नहीं करी है क्योंकि विंटर सीजन में पाउडर सेटिंग बीबी क्रीम की अगर ना भी करो तो भी चल जाता है। अभी मैं यहाँ पे लिक्विड सिंदूर अप्लाई कर रही हूँ, ये फेसेस कैनेडा का लिक्विड सिंदूर है जिसको मैंने लोकल मार्केट से बाय किया है, और मैं अपने मेकअप को सटल ही रखना चाहती थी तो इसलिए मैंने कॉन्टोरिंग वगैरह नहीं की है क्योंकि उससे फेस ऐसा लगता है कि हमने मेकअप किया है। तो इसके बाद मैं लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ डार्लिंग इजाबेला की, ये 13 नंबर शेड है, ये वाली लिपस्टिक बहुत ही अच्छा वाला कलर है। देन इसके ऊपर मैं लिक्विड लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ हुडा ब्यूटी की क्योंकि मुझे लॉन्ग लास्टिंग स्टे चाहिए था अपनी लिपस्टिक का, क्योंकि हम सुबह घर से निकलेंगे और उसके बाद शाम को ही अपने रूम में वापस आएंगे। उसके बाद आईलाइनर तो ऑलरेडी मैंने अप्लाई कर लिया था, लेकिन अभी मैं यहाँ पे वेट एंड वाइल्ड का ब्लश लेकर उसको बहुत हल्के हल्के से अपनी क्रीज लाइन के ऊपर ब्लेंड कर रही हूँ जिससे एक नेचुरल सा लुक आएगा और ऐसा भी नहीं लगेगा कि हमने बहुत ज़्यादा मेकअप किया है। सो ब्लश को ही मैं एज ए आई शेडो अप्लाई कर रही हूँ। देन उसके बाद सेम जो हाईलाइटर जिसको मैंने अपने फेस के ऊपर अप्लाई कर लिया था उसको फिंगर की हेल्प से मैं अपने आईलेट के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ, आइज के इनर कॉर्नर से लेके हाफ ऑफ द लिड तक हल्का हल्का अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि इससे एक आइज का बहुत ही अच्छा वाला लुक आ जाता है। और अगर आपको आई मेकअप उतना ज़्यादा नहीं आता है तो आप इस तरह से कर सकते हैं क्योंकि ये देखने में भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और बहुत ज़्यादा ईजी भी है, कोई भी इसको कर सकते हैं। उसके बाद मैं अपनी आईलैशेस को अच्छे से कर्ल कर रही हूँ क्योंकि कोई भी फॉल्सेस अप्लाई नहीं करूँगी मैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे मेबलिन का कैलोसल मस्कारा यूज़ किया है, और देन ये है मेरा फाइनल लुक, और आप देख सकते हैं एक नेचुरल सा सटल सा लुक आया है और इस तरह से मैंने एक हाई बन बना लिया है और कुछ इस तरीके का लग रहा है डे लाइट में मेरा मेकअप लुक। उसके बाद जो मैंने बिंदी अप्लाई करी थी वो मैंने अपने सिंदूर में ही, जो माचिस की तीली होती है ना, उसको बैक साइड से इस तरह से अपनी बिंदी अप्लाई करी थी। सो गाइस, ये है मेरा फाइनल लुक। आई होप आपके लिए आज की वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली।